वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ की। यूएनओ की बात करने वाले हैं आज। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसका उद्देश्य में भी लिखा है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुविधाजनक बनाए रखने का सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व के शांति के लिए ये कार्यवनंत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यूएनओ से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 ईस्वी में भारत यूएनओ का सदस्य बना था। यूएनओ से अगला क्वेश्चन हमारी आती है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारियों का कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा 10,000। 10,000 कर्मचारियों का कार्यरत है वहाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूएनओ डे जिसे कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193, अभी प्रेजेंट में 193 सदस्य हैं इसके। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूनिडो वियना में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। वहीं यूएनओ से अगला क्वेश्चन हमारी आती है, निम्न में से किस सदन की बैठक जनेवा न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस सदन की बैठक जनेवा व न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? कार्यकारी भाषा कहने का मतलब ये है कि जिससे वहाँ पे कार्य जो होते हैं वहाँ पे यूएनओ में, उसे कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हमारा अंग्रेजी व फ्रेंच। वहाँ यूएनओ में, यूएनओ के जो संगठन है वहाँ पे अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा कार्यकारी है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनईएससीओ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 16 नवंबर 1946 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई गई थी? राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो इसका आंसर होगा वायर्स की संधि। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर के किन धाराओं में किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर के किन धाराओं में किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा नंबर 97 से 101 के तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर के किस धारा के वीटो प्राप्त की गई है?
सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर जो होते हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य को चार्टर के किस धारा के द्वारा वीडो का पावर प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा नंबर 27 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, साधारण सभा की शक्तियों का उल्लेख चार्टर की कौन सी धाराओं में किया गया है? साधारण सभा यानी जनरल असेंबली की शक्तियों का उल्लेख चार्टर की कौन सी धाराओं में किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा नंबर 10 से 17 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते हैं? वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की साधारण सभा होती है जो जनरल असेंबली, वहाँ पे प्रत्येक राष्ट्रीय सदस्य के कितने प्रतिनिधि वहाँ होते हैं? तो इसका आंसर होगा 5 प्रतिनिधि वहाँ पे होते हैं, प्रत्येक सदन से 5 प्रतिनिधि होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? तो इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को की सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एक अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा 330 के तहत, आर्टिकल नंबर 330 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान की गई है लोकसभा में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो इसका आंसर होगा कानून द्वारा संसद बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।